दोस्तों मैं एक फार्म पे हूँ जिसका नाम विल मिल्की वे डेयरी फार्म है और ये बंगाल के अंदर है। और हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, दो दिन की ट्रिप पे बंगाल थे, तो हमने सोचा कि यहाँ के फार्मर कैसे फार्मिंग को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सूखा चारा की बात करें, गाय की बात करें, तो ब्रीड में ज़्यादा नहीं मिलती, सूखा चारा ज़्यादा महंगा मिलता है। तो कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? ठीक है, चल रहा है। कितने दिन हो गए ये इसको गाय पालन स्टार्ट करके? करीबन 2 साल पूरा नहीं हुआ, 2 साल से कम है। कितनी गाय से स्टार्ट की थी आपने? 25 गाय से शुरू किया था। डायरेक्ट आपने 25 गाय खरीद ली थी एक ही बार? ना, 4 दफा या 5 दफा में हम खरीदा था, छोटा छोटा स्पेल में 25 गाय। फार्म का मैनेज आप करते हैं, कोई और करता है? मैनेज देखभाल तो मैं ही करता हूँ। देखभाल आप करते हैं, ये कहाँ से माइंड में आया कि गाय पालन करना चाहिए? गाय पालन करना चाहिए ये तो एक्चुअली प्रिंसिपल चीज है, लेकिन मैं मेरे लिए, माने मेरे एक तो लड़का है, तो उसी के कारण हम इस लाइन पे आया, जो उसी का एक्चुअली वो कारोबार उसी का नाम पे है, लेकिन उसका उन्नति के लिए ये फार्म खोला गया है। वो देखते हैं आपके लड़का इस फार्म को? अभी नहीं, मौजूद नहीं है, लेकिन वो देखते हैं, वही देखते हैं। आपके, अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे गाय मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी क्रॉस ब्रीड में देख भी रहा हूँ हाई मिल्किंग गाय मिलती नहीं है। इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अगर 20 लीटर दूध करने वाली गाय नहीं है तो आप नुकसान में हैं, फार्म नहीं चला पाएंगे। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो हो नहीं रह पाता है, लेकिन कोशिश जारी है मैनेज के लिए। मैनेज अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ, माने ये ना लॉस ना प्रॉफिट में चल रहा है ये कारोबार। कितने दिन से? डेढ़ साल से। शुरुआती दौर में तो फायदा हुआ होगा? ना, फायदा नहीं हुआ, इसलिए कारोबार शुरू करने से ही हमारा दूध अगर ठीक दाम पे नहीं बेच सकेगा तो कारोबार कैसे चलेगा, ठीक नहीं चलेगा। इसीलिए वो इनिशियली वो कारोबार को दूध हम दाम पे नहीं बेच पाया, वो डायरी में देता था, अमूल में देता था। कितने रुपए जाता था वहाँ पे? वहाँ 40 रुपया डायरी में मिलता था। और अभी कितने रुपए मिल रहा है? डायरी का वो रेट वही है, लेकिन आप कहाँ दूध बेच रहे हैं? दूध बेच रहा हूँ, माने कुछ लोकल का कस्टमर है, कुछ मिठाई का दुकान है, और कुछ डायरी में जाता है। कितने रुपए लीटर बिकता है इधर? 54 रुपीस पर कस्टमर को? कस्टमर को 54 रुपीस। और लोकल जो होटल वगैरह में देते हैं? होटल में नहीं देता हूँ, मिठाई के दुकान में देता हूँ। मिठाई की दुकान में कोई आसपास 54 रुपए, 54 के आसपास, और डेयरी में 40 रुपए। आपने जब शुरुआत की गाय पालन, कहाँ से गाय खरीदी? छाता कॉल, पाइली, मतलब बंगाल में ही? बंगाल में ही। अगर हम इस गाय की बात करें तो ये कितना दूध करती है? ये फर्स्ट, ये 10 केजी का गलबल में है। 5 केजी सुबह, 5 केजी शाम? ना, 6 केजी और 4 केजी। 6 केजी और 4 केजी जब भी आती है तभी के अभी? ना, अभी कम हो गया, 10 पहले था, अभी पहले 10 था। ये अगर हम अभी 3 किलो हो गया। कितना जब ये वो है खरीदे थे आपने 9-10 किलो दूध पे, क्या दाम में मिला था? 50 के करीब में होगा। 50 केजी, 50,000 रुपया लग जाता है आपके यहाँ, इतना महंगा क्यों? ये इतना महंगा क्यों, वही तो मेरा भी कहना है, इतना महंगा क्यों, क्योंकि इतना हमारे बिहार में इस तरह की गाय 25-30 हज़ार में मिल जाएगी? 10 केजी दूध करने वाली 30 हज़ार में? कहाँ? बिहार में। बिहार से आने में तो खर्चा है। कितना खर्चा होगा? 10 पर गाय 10,000 रुपया खर्चा? क्यों? 13-14 हज़ार, 13-14 हज़ार भी खर्चा हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो हमको, आपने कभी ट्राई नहीं किया जाकर बिहार से लाने की? ना, हिम्मत नहीं हुआ। कहाँ से, कैसे, क्या मतलब, डर क्या लगा? रास्ता में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहा आपको, किसी ने बताया हो? नहीं, आपको कैसे पता चला कि रास्ता में प्रॉब्लम होता है? हमने सोचा है गाड़ी अगर पकड़ लेगा, कौन पकड़ेगा?
एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कोई रास्ता में पकड़ जाएगा तो गाड़ी और माल दोनों ही कंडेम हो जाएगा, ऐसा सुना है आपने? मैंने सुना है। और लोग करते भी हैं? है, लोग करते कि नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की, कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई कभी नहीं, डर के मारे, डर के मारे। इसको एक जख्म हो गया है गाय को, ये आने में माने लॉरी पे ट्रक में वही तो आप जहाँ से आपने खरीदा तो जख्म वाली क्यों खरीद लिए? नहीं नहीं जख्म वाली नहीं खरीदी, आते टाइम जो जख्म हो गया। आप कितना दूर से ला रहे होंगे इसको? ना, कोई भी गाय कितना दूर से लेकर आते हैं खरीद कर? कितना अगर बिहार से आता है तो 600 किलोमीटर हो, 600 किलोमीटर के टोटल। इतनी गायों को रख के कितना दूध उत्पादन कर रहे हैं आप? दूध जितना चाहत उतना नहीं मिला, मिल रहा जितना चाह रहे हैं आप उतना नहीं मिल रहा है? ना, ना, ना। कितना मिल रहा है? मैंने एक्चुअली मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार झारखंड यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि आजाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं, आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। 90 kg सुबह और शाम को 140 kg दूध हो रहा है लगभग, मतलब 7,000 का दूध बेच रहे हैं आप पर डे? ना तकरीबन ना ना ना, क्योंकि ये डेयरी में तो 40 रुपया मिलता है। तो डेयरी में कितना दूध देते होंगे? वो जिस दिन जो जाता है वो हिसाब नहीं। लगभग 6,000 का दूध होता होगा, पता नहीं जोड़ के देखना पड़ेगा लगभग अंदाजा। अंदाजा आप खुश कि 2 साल हो गया आपको इस फार्मिंग करके, आप इससे खुश हैं कि ना खुश हैं? देखिए कारोबार तो हम कारोबार संभाल नहीं ठीक से पा रहा है इसलिए खुश नहीं हूँ। संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह आपको समझ में आ रही है कि मैं क्यों नहीं संभाल पा रहा हूँ? जितना कॉस्टिंग हो रहा है, खर्च जितना हो रहा है तो और जितना इनकम हो रहा है, ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि अगर हम डेयरी फार्मिंग के हिसाब से कॉमर्शियल लेवल पे गाय खरीदें तो मिनिमम उसका लैक्टेशन यानी 305 दिन में 6,000 लीटर दूध होना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। ये तो आप बोल रहे, ठीक है हम देखेंगे साल में कितना होगा, जोड़ जाड़ के कभी नहीं हो सकता। जो अगर हम साइंस के मुताबिक देखते हैं साइंटिफिक तो उसमें मिनिमम 6,000 लीटर होना चाहिए, और अगर हमारे हिसाब से देसी भाषा में अगर कहते हैं तो कम से कम 4,000 तो होना ही चाहिए। एग्जांपल 20 लीटर वाली गाय आपको 340 × 365 जोड़ने से क्या होगा? होगा नहीं, वो पर डे उतना दूध नहीं, वैसा नहीं, वो बात नहीं बोल रहा था मैं। तो? एक गाय का दूध होना चाहिए उतना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गाय एक बार बच्चा दे दी जब तक उसका दूध खत्म होता है 305 दिन का एक लैक्टेशन पीरियड होता है, उस लैक्टेशन पीरियड के अंदर इतना दूध होना चाहिए मिनिमम 6,000। नहीं हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो आपने ये छोटी गायों से डेयरी फार्मिंग क्यों शुरुआत कर दी? आपने कहीं से प्रशिक्षण नहीं ली होगी? आपने लगभग इतना 10 लाख इन्वेस्ट भी कर दिया है उसके ऊपर। देखिए कोई भी बिजनेस करने से पहले उसके बारे में हमको जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आप जानकारी कर जितना जानकारी लेने के लिए कोशिश पूरा किया था लेकिन पूरा जानकारी मेरे को नहीं है, अभी तक नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है इस कारोबार में जो हमको सलाह दे, सुझाव दे,
रास्ता दिखाया, एडवाइस की। आपने ये ऐसा, ऐसा, आपने ऐसा। ये नहीं सुना था कि कहीं ट्रेनिंग भी होता होगा गाय पालन का? हाँ हो सुना है। तो सुना था, तो आपने कोशिश नहीं की कि ट्रेनिंग ले लेना चाहिए या फिर अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिलवा देना चाहिए? ट्रेनिंग लेना चाहिए लेकिन करने का फुर्सत नहीं मिलता है। ट्रेनिंग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा तो लेकिन एक कुछ ही दिन के लिए जाना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल 3 महीने जाना पड़ेगा, लेकिन लाइफ टाइम आप खुश तो रहेंगे। और इसमें अगर वो 3 महीना के बारे में सोचते हैं कि 3 महीना नहीं जाएंगे तो हमेशा इसमें दुख में रहेंगे ना, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? बात सही है, बात सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बार बार रोने से बढ़िया है कि एक बार रोइए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें नए लोगों को नहीं आना चाहिए ना आपके हिसाब से? नया लोग आने से प्रॉब्लम तो होता है। अभी आप लगभग 10-15-20 लाख रुपया लगा चुके हैं, 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं है, उससे ज्यादा तो आपके बैंक बैंक लोन देते हैं। ठीक बात। तो सबसे पहले एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल है इज्जू की बिजनेस आइडिया, आप नहीं देखते हैं शायद, आपका लड़का देखते हो, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि भाई कितना कौन सी दूध करने वाली गाय हम रखेंगे तो प्रॉफिट होगा। आपके बंगाल में खिलाने की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में कॉस्टली है तो मुझे लगता है बंगाल में ही। भूसा आपके यहाँ 6-7 रुपये केजी मिलता है, दाना अगर कोई भी दाना खरीदते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 30 रुपये से 35 रुपये तक के बीच में नहीं पड़ता होगा, जो उसमें भी अच्छा दाना नहीं मिल रहा होगा। नहीं अगर तो दाना तो अगर बैलेंस फीड हम लोग खिलाते हैं तो लगभग 33-34 रुपये हम लोगों को भी पड़ता है, बट वो एक बैलेंस क्या हो रहता है, आप आपका खुद के फॉर्मुलेशन से वो बनाते होंगे तो लगभग 30-34 रुपये आप देते हो देना पड़ता होगा। बहरहाल बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलती है सर, आप खुश नहीं है इस बिजनेस से, क्या करेंगे फ्यूचर में, कैसे चलाएंगे? इतना इन्वेस्ट भी कर दिया है, ना आगे जा पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे। कोशिश जारी है इसको ऊपर ले जाने का। कैसे ले जाएंगे, क्या सोचा है आपने? सोचा अगर ज्यादा दाम पे हम दूध बेच सके। इससे कभी नहीं होगा, 100 रुपये भी बेच दीजिएगा तो भी आप नुकसान में रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले सर देखिए मैं बता रहा हूँ, हमको उत्पादन बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को कम करना है, कैसे करें कॉस्ट कम करने से ज्यादा दूध की उत्पादन बढ़ाएं। ये जितने क्या बोलते हैं डांगर बोलते हैं ना आपके यहाँ, ये डांगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम डांगर में ज्यादा उत्पादन, ये कैसे करेंगे वो आप समझिए। ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। ओके थैंक्स। लगभग 60+ की उम्र होगी? ज्यादा। कितना? 72 की उम्र में आप 25-30 पशु को खुद से आकर हैंडल खुद भी आ रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात 10 बजे। नहीं लगना तो चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ जानकारी लीजिए, ज़्यादा बहुत बढ़िया होगा। मैं आपको आपके बंगाल का एक ग्रुप है जिसमें मैं आपको ऐड करूँगा, ताकि आप वहाँ से आपके बच्चे जैसे उम्र के लोग हैं उसमें वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू वेरी मच। दोस्तों लगभग इस फार्म के बारे में हमने बताया कि कैसे इन्होंने अपने फार्म के बारे में कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फार्म को कैसे चला रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।